2014 निष्कर्ष में आपका स्वागत है। चुनाव का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये सामने आएगा 16 मई, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस देश का मतदाता ढूंढ क्या रहा है। चुनाव हर बार आता है, लेकिन इस बार मतदाता इतना बेचैन क्यों है, उसमें इतनी छटपटाहट क्यों है, उसे तलाश स्थायित्व की है या फिर कुछ और, वो मजबूत नेता को खोज रहा है या फिर सबको साथ लेकर चलने वाला नेता, आज चर्चा इसी पर। 10 साल की ये सरकार फिर भी स्थायित्व की दरकार, समझना ये भी होगा कि आज का मतदाता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को महत्व देता है या फिर उसे दरकिनार कर इस बात को सामने रखकर मतदान करेगा कि कौन उसकी जिंदगी को बदल सकता है। अपने अपने राज्यों में जीत का परचम लहराने वाले मुख्यमंत्रियों ने अगर विकास के सहारे कामयाबी पाई तो केंद्र में आने की उनकी महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है, ये सब होगा आज की चर्चा में। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चार खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा दें हम। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा बद्री नारायण जी हैं जिनको दलित पॉलिटिक्स का पंडित हम कह सकते हैं, इसके अलावा हमारे साथ हैं अरविंद मोहन इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, एस वाई कुरैशी हमारे साथ हैं जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। तो देखिए आज आम चुनाव 2014 निष्कर्ष। साल तक एक ही सरकार फिर भी स्थायित्व की दरकार, एक प्रधानमंत्री, एक गठबंधन और उस गठबंधन का एक सर्वमान्य नेता होने के बावजूद ऐसा लगता है कि जनता के मन में एक छटपटाहट है, छटपटाहट एक मजबूत स्थायी और काबिल सरकार मिले, ऐसा क्यों? अगर 5 साल पूरा करने को ही स्थायित्व कहते हैं तो यूपीए ने 2 बार ऐसा किया। अगर मजबूती नेता के अपनी जगह पर बने रहने का नाम है तो 10 साल मनमोहन सिंह को कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं पाया। और अगर जन कल्याण की योजनाओं को बनाना और लागू कराना ही किसी सरकार की काबिलियत होती है तो यूपीए के रिपोर्ट कार्ड में हमेशा खुद को 10 में से 10 दिए गए। फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग देश में एक मजबूत, स्थायी और काबिल सरकार के लिए छटपटा रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए? अहम मुद्दों पर भी मनमोहन मौन रहे, गठबंधन की मजबूरी के नाम पर भ्रष्टाचार को फलने फूलने दिया गया, अपनों घोटालों की फहरिस्त लगातार बढ़ती रही, आर्थिक निकम्मापन दिखा और गलतियां स्वीकारने और सुधारने की बजाय नकार का भाव दिखाई दिया, आर्थिक नाकामियों को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों का हवाला दिया गया, चीन पाकिस्तान जैसे देशों के लिए किसी स्पष्ट नीति की साफ कमी दिखी, मनरेगा, किसान ऋण माफी, आपका पैसा आपके हाथ और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाएं या तो जमीन पर अमल में नहीं आई या हड़बड़ी में लाई गई या फिर घपलों घोटालों की पनाहगाह बन गई। महंगाई डायन हर गुजरते दिन के साथ और जानलेवा होती गई और इसने हर वर्ग को सताना शुरू कर दिया। 100 दिन में महंगाई कम करने के हवाई वादों और 5 रुपए में खाना जैसी बातों ने लोगों के जख्मों पर नमक का काम किया। रामदेव, अन्ना हजारे, आम आदमी और जन लोकपाल जैसे मुद्दों पर सरकार ने जरूरी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और कई बार तो रवैया तानाशाहों वाला दिखा। सवाल ये भी कि स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और एबल गवर्नमेंट के लिए ये छटपटाहट पिछले 10 साल के शासन का ही नतीजा है या फिर 1989 के बाद गठबंधन और अल्पमत की सरकारों के लगभग 2 दशक के दौर के बाद उपजी कुंठा का भी नतीजा। समय के लिए दिनेश गौतम। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस देश में हर शख्स परेशान सा क्यों है, लगता ऐसा ही है कि इस बार मतदाता। कुरैशी साहब, आपने तो सब मतदाताओं की नब्ज लंबे समय तक टटोली है, इस बार जो छटपटाहट है, इस बार जो बेचैनी है, इतनी क्यों है? देखिए, ये जो कहा जाता है कि इस बार का इलेक्शन बड़ा यूनिक है, ऐसा इलेक्शन कभी नहीं हुआ, ये हर 5 साल बाद हमें सुनने को मिलता है, इसलिए क्योंकि हम पहला पिछले चुनाव का माहौल और उसका जोश भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज जो पब्लिक डिबेट में मैंने देखा मिस हो रही है, जो नई बात हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल 3 साल से वोटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने हमने एक नई डिवीजन बनाई वोटर एजुकेशन के लिए, क्योंकि हम 2 चीजों से जूझ रहे थे। हमने देखा कि युवाओं में बिल्कुल एपथी है, 12% के करीब वो रजिस्टर करते थे, वोट देने नहीं आते थे, महिलाएं वोट देने कम आती थी, अर्बन वोटर्स में तो बिल्कुल एपथी थी कि वो घर ड्राइंग रूम में बैठ के नेताओं को कोसते थे लेकिन वोट देने के कष्ट नहीं उठाते थे, जबकि उस दिन पेड हॉलीडे होता है,
सो हमने इसको कहा कि हमने इसको फेस डील करना चाहेंगे कि जो लोग कहते थे कि हमने तो आज तक जिंदगी में वोट नहीं दिया, एक फैशन स्टेटमेंट था, ने कहा ये नहीं चलेगा, या अगर जिसने वोट नहीं दिया वो मुंह छुपाया उसको शर्म आनी चाहिए। तो वोटर एजुकेशन का जो प्रोग्राम हमने किया था उसके नतीजे में 22 स्टेट में जो पोल हुए हैं उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड टर्नआउट दिए। रफी साहब, इसको हर कोई मानता है और आप अगर कह रहे हैं कि डिबेट में मिस हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ये हर जगह चर्चा का विषय है कि चुनाव आयोग की अथक प्रयासों की वजह से इस बार हम देख रहे हैं लगातार चुनाव दर चुनाव कि लोग बहुत ज्यादा तादाद में बाहर आ रहे हैं और लोगों को चुनाव में उनकी क्या भूमिका है इसको लेकर एक एहसास भी है। लेकिन बद्री साहब, क्या 77-89 जो हम अक्सर चर्चा करते हैं और उसके बाद एक लंबा गैप सा दिखा, उसके बाद ये छटपटाहट लगभग उसी स्तर की या उससे ज्यादा है, या ऐसा मानना जैसा कुरैशी साहब कह रहे थे हर 5 साल में महसूस किया जाता रहा है और कमोबेश वैसा ही इस बार? ये देखिए, इस बार एक जो महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि एस्पिरेशंस जो है, एस्पिरेशंस पहले भी रहे हैं लेकिन एस्पिरेशंस का एक्सपोजर हुआ है और मिले सुर मेरा तुम्हारा की तरह हमारा एस्पिरेशंस की जानकारी आपको होती है और आपके एस्पिरेशन की जानकारी हमें होती है और एक बड़ा सवाल है एस्पिरेशन ब्रॉडली तीन चीजों का। एक चीज जो एस्पिरेशंस का जो निर्माण, एक तो है आपके भीतर की कोई चाह, दूसरा ऊपर से मीडिया जो कम्युनिकेशन कर, फिर जो ग्लोबल मार्केट, दूसरों को देख करके दूसरे कैसे रहते हैं वैसे हमें भी रहना चाहिए, तो एक चाहत एस्पिरेशंस का बढ़ा है और उसको मैनेज करने वाली जो गवर्नेंस है वो लगातार उसमें फेल करी है और दोनों के टकराहट से जो अभी कुरैशी साहब कह रहे हैं कि उसमें चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है, साथ साथ नीचे से भी मैं प्रेशर फ्रॉम बिलो यानी चाहत फ्रॉम बिलो और चाहत फ्रॉम आप गवर्नेंस की बात आपने की बद्री जी। अरविंद, जब आम आदमी को लगता है कि वो महंगाई से लगातार जूझ रहा है, मतलब एक ऐसी चीज जो हर किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी गांव, किसी भी शहर, हर एक को इफेक्ट कर रही है, मतलब कोई ऐसा तबका नहीं बचा, और महंगाई पर आप नए कोई भी सरकार एक डेट दे देती है कि 100 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर 24 मई को खत्म हो जाएगी, 4 मार्च को खत्म हो जाएगी, 3 अक्टूबर को, हमने हजारों डिस्कशन प्रोग्राम इस तरह से निकाल दिए, पूरे 5 साल निकल गए कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे वक्त में ये सिर्फ एस्पिरेशन है या ये हम कहें कि सफरिंग की भी हद हो गई और इसलिए ये बेचैनी है? नहीं, बिल्कुल सफरिंग की हद हो गई। अगर आप कई चीजें हैं, हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट घट के 5% से नीचे चली गई, इन्फ्लेशन हमारे काबू के बिल्कुल बाहर हो गया, जिस तरीके का माहौल दिख रहा है ऑन एवरी पॉसिबल फ्रंट, जो ग्रोथ रेट आज दिख रही है उसके साथ जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखते हैं तो आज हिंदुस्तान में जब देश 1% ग्रो करता है तो 0.1% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, यानी कि देश आज एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा, देश महंगाई काबू नहीं कर पा रहा, ग्रोथ रेट हो नहीं रही, और ये कहीं ना कहीं आम जनता इन तमाम डिबेट से ज्यादा उसकी आम जिंदगी में क्या हो रहा है उससे प्रभावित है, उसे दिख रहा है, उसे कहीं पिंच कर रहा है। और ये जो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ठीक है लेकिन स्टेबिलिटी का आर्थिक आम आदमी के लिविंग स्टैंडर्ड पर क्या परिणाम है, ये पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। और जैसा आप कह रहे हैं कि हम लगातार डेट देते रहे, प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि 90 दिन और मार्च और दिसंबर, एक के बाद एक फेल करता चला गया। और हकीकत यह है कि जिस तरीके के स्टेप्स हमने लिए हैं, जो चैलेंज आज बना है, मोटे तौर पर आप कृषि क्षेत्र की महंगाई अगर देख लें, आज भी हमारे पास कोई टूल नहीं है, हम चाह करके भी हम इस महंगाई को कंटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट ही नहीं किए। महंगाई आपकी ऐसी चलती रहेगी जिस तरीके की सरकार पिछले 10 साल चली है, अगर हम वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं क्रिएट करेंगे अगले 20 साल भी आप ये महंगाई नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और ये जनता को आज दिख रहा है, मीडिया का भी रोल है क्योंकि कल तक वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचती नहीं थी, आज वो इन्फॉर्मेशन उस तक आ रही है। तो आम जनता को दर्द है, कटिंग एज पर उसको पिंच कर रहा है और आज उसे कारण मालूम है कि यह नियंत्रित हो सकती है, उसके बावजूद भी सरकार ने नियंत्रित नहीं की है। और यही जो आप एस्पिरेशंस कह रहे हैं, मुझे लग रहा है एस्पिरेशन से ज्यादा ये रिएक्शन है, अब वो उसके बर्दाश्त के बाहर निकल रहा है और वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। पूर्णिमा जी, ये क्या ये पिछले 10 सालों का गुबार है जो इकट्ठा हुआ है या जब से गठबंधन की सरकारें आई हैं तब से ये गठबंधन की मजबूरी के नाम पर जो कुछ चलता रहा, या उदारवाद जो तब शुरू किया गया 92 में कहते हैं कि वही अब समझ में आ रहा है कि उसके दुष्परिणाम भी क्या हो सकते हैं, ये असल में वहां से शुरू हुई कहानी है जिसका कल्बिनेशन अभी हो रहा है? नहीं, एक्चुअली पिछले 10 सालों में इस गुबार की तो हद ही पार हो गई, क्योंकि जो सरकार में बैठे लोग थे उन लोगों को लगा कि जैसे परवाह नहीं है, वो महंगाई बढ़ रही है उसका मखौल उड़ाते दिख रहे थे, डेडलाइंस देकर के कि 3 महीने